और उस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसला सामने आया, उम्र कैद में बदली दोषी आरिफ की फांसी की सजा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बटला हाउस एनकाउंटर में हाईकोर्ट का फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। आरिफ खान की फांसी की सजा नहीं होगी, निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार नहीं रखा। निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, तो बटला हाउस एनकाउंटर में इस वक्त का बड़ा फैसला। एक हिंदी में बता दीजिए सर। कोर्ट ने आज आरिफ खान का जजमेंट कन्विक्शन का अपहोल्ड किया है, उसे सारे जुर्मों जो उसके चार्ज थे उसके लिए दोषी पाया गया है, लेकिन जो डेथ सेंटेंस था वो कन्फर्म नहीं किया है, उसको उम्र कैद में कन्वर्ट किया है। डिपार्टमेंट एक बार जजमेंट को देखेगी, कंसिडर करेगी, उसके बाद डिलिब्रेशन करके देखेगी कि उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लिए, एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए कंसिडर करना है या नहीं। क्या वजह बताई कि सजा जो कम किया गया उसमें क्या कहा? वजह क्या बताई सर? जो आर्ग्यूमेंट हमने ली थी वो ये थी कि सिंस दिस इज अ केस ऑफ किलिंग ऑफ अ मर्डर ऑफ अ यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस एंड डिजर्व डेथ सेंटेंस। बच्चन सिंह एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें ये कैटेगरी डिफाइन की गई है, और इलस्ट्रेशन में यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म आर्मी पर्सन को जब मारा जाता है, इट इज कवर्ड अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये मेन हमारी आर्ग्यूमेंट थी जो कोर्ट ने कंसिडर करी है। अब देखते हैं उसमें क्या रीजनिंग दी हुई है लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Z News.